रेस्टोरेंट के हर खाने में यूज होता है ये प्याज टमाटर से बना बेस। इसे हम रेस्टोरेंट में ओटीएम कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है 7 से 8 प्याज, और प्याज के साथ हमें ले लेना है 3 टमाटर। मैंने बड़े बड़े टमाटर का यूज़ किया है, इसलिए मैंने 3 टमाटर ले लिया है। अगर आप छोटे टमाटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 टमाटर ले सकते हैं। फिर टमाटर के बाद मैंने ले लिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 3 ले लिया है, या फिर आप हरी मिर्च को अपने स्वाद अनुसार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने तीनों सब्जियों को ले लिया है, और सब्जियां लेने के बाद हमें सभी सब्जियों को एकदम बारीक काट लेना है। आप जितना ज़्यादा बारीक काट सकते हैं उतना ज़्यादा बारीक काटें। तो प्याज काट के मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं सब्जियों को कितना ज़्यादा बारीक काट रहा हूँ। और अगर आप कटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर सभी सब्जियों को काटने के बाद हम ले लेंगे कढ़ाई, जिसमें हम डाल देंगे 1/2 कप तेल। हमने रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल किया है, और अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। और तेल डालने के बाद हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर चालू कर देना है। ओटीएम के लिए हमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए होती है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, और जीरा को हमें अच्छी तरह से चटकने देना है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जैसे जीरा अच्छी तरह से पक जाए हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, जिसे हमने एकदम बारीक काट लिया था, और हरी मिर्च को भी हमें अच्छी तरह से पका लेना है। और हरी मिर्च को अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, जिसे हमने एकदम बारीक काट लिया था, और प्याज डालकर हमें प्याज को भी अच्छी तरह से पका लेना है। और प्याज को भी हमें तब तक पकाते रहना है जब तक प्याज अच्छी तरह से गल ना जाए। और गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि प्याज को तो हमने पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, और टमाटर डालकर हमें टमाटर को पकाने के लिए इसमें डाल देना है नमक। नमक हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच, और नमक डालकर हम टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने रेस्टोरेंट की बेसिक येल्लो ग्रेवी की भी रेसिपी शेयर की है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जैसे टमाटर अच्छी तरह से गल जाता है हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी मैं डाल रहा हूँ 1/2 बड़ा चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से हल्का सा तीखापन आ जाएगा, और रंग तो बहुत ही अच्छा आ जाएगा। हमने इसे आपस में अच्छी तरह से मिला लिया है, और इसे मिलाने के बाद हम इसको ढक देंगे, और ढककर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये तेल अलग ना कर दे। और ढकने के बाद हम गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे, वरना ये नीचे से जल भी सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद हमने इसका ढक्कन हटा के चेक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से पक गया है ये। अब हम इसका गैस बंद कर देंगे और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमेशा ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।